साल पहला अकाली सरकार के समय च संगरूर के मलेरकोटला के कुरान शरीफ की बेअदबी हुई सी, जिस विच दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव नू भी इस मामले दे विच मुख्य दोषी विजय कुमार के कहने ते दोषी करार दिता गया सी, जिस नू कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सी। लगभग 3 साल यह केस अदालत दे विच चलिया। हुण गवाहां दे बयान पेश होणगे, जिस विच मुख्य गवाह विजय कुमार अते कथूरिया नू अदालत विच पेश कीता गया अते उन्हां दी पहचान हुई। इस केस दे विच मुख्य गवाह अशरफ चौधरी ने, जिन्हां ने कि इन्हां दोषियों की पहचान कर ली है। उन्हां दा कहना है कि जद इन्हां दोषियों दे वल्लों कुरान शरीफ की बेअदबी की जा रही थी, तद उन्होंने यह सारा कुछ हुंदे होए वेख्या सी। दस दी कि इस केस दे विच मुख्य दोषी विजय कुमार आ, ते उसने नरेश यादव का नाम लिया सी कि उसने यादव के कहने के उत्ते ही कुरान शरीफ की बेअदबी की है। मेरा नाम मुहम्मद अशरफ चौधरी, मलेरकोटला बिलोंग करता मैं, और मैं मुदई हाँ उस मुकदमे का जरा 24/6/2016 मलेरकोटला विखे कुरान शरीफ की बेअदबी की गई सी। अज मेरी माननीय अदालत के स्टेटमेंट हुई है, मैं मुलजमान शनाख्त करिया कोर्ट के, मेरे नाल मेरे साथी खड़े ने, यह भी मौके के गवाह ने, इन्होंने भी मुलजमान कोर्ट के शनाख्त कर। मुलजम मेन मुलजम है विजय कुमार, जिहड़ा कि गड्डी चला रहा सी, उस दे नाल ही खजूरिया जिहड़ा कि कुरान शरीफ के पत्रे पाड़ पाड़ के सुट रहा सी। असी अपनी अखी मुलजमान विजय कुमार नू गड्डी चलाउंदे होए ते उस दे नाल जिहड़े साथी बैठे थे उन्होंने पत्रे पाड़ के कुरान शरीफ सुटते हुए वेख्या, उन्नी गल ते असी शनाख्त की है। नरेश यादव की असी ना मौके पर वेख्या उसनू, ना असी उसकी शनाख्त की है। नरेश यादव MLA का नाम तो मेन दोषी विजय कुमार ने अपने बयान के 164 के बयान के लिया। सच्चाई बाद में सामने आ गई थी कि जिस तरह से वो नाम दिया गया, और फिर उसके बाद में वो सच्चाई आप लोगों के सामने आई। मीडिया के द्वारा ही पहले स्टेटमेंट आई थी, मीडिया के द्वारा ही दूसरी स्टेटमेंट आई थी, तो वो तो सबके सामने आ गया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि नरेश यादव का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और ज़बरदस्ती मेरा नाम डाला गया, क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में एक अच्छे बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाली थी। तो आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए एक कम्युनिटी के अंदर ये मेरा नाम उसमें डाला गया, क्योंकि मैं दिल्ली में, जो कि मैं उस समय पंजाब में एज ए सहप्रभारी काम कर रहा था संजय सिंह जी के साथ में, इसीलिए मुझे टारगेट किया गया था। आगे क्या लगता है कि मुझे हो जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है जज साहब से कि वो न्याय करेंगे और जल्दी जल्दी इस केस को निपटाएंगे। हाँ, अजय जो है प्रोसीक्यूशन ने 4 गवाह एग्जामिन किए ने, जिद च 2 जो मेन थे आई विटनेस के, जिद कंप्लेनेंट FIR सी अशरफ तो चौहान, सफीक चौहान, तो उन्होंने मिस्टर नरेश यादव के खिलाफ एक लफ्ज ही नहीं किया, कोई उन्होंने गल नहीं किया, कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ जो अपना जोड़ा जीप चला रहे थे वो उन्होंने विजय कुमार चला रहे थे, तो जो गौरव खजूरिया है वो कुरान शरीफ के पत्रे पाड़ के सट रहा, उन्होंने कोर्ट चुनाव आइडेंटीफाई किया। उस तो बाद असं आए उत्तर पत्र, असं पिछा किया था गड्डी का, तो पिछा किया तो असं पत्रे कट्ठे किए, कट्ठे करके उत्थे दरगाह श्री बाबा बुदरे साहब है उत्थे रखे गए। उत्थे असी अपने मुफ्ती साहब है जिहड़े उन्होंने बुलाया, पुलिस ने बुलाया, तो इन्होंने खिलाफ कार्रवाई कराई, तो असी जिहड़े कुरान शरीफ के पत्रे से उन्होंने उत्थे दफन कर दिता। हर्ष कौशल की स्पैशल रिपोर्ट के नाल ब्यूरो रिपोर्ट, DTV NRI।